Hello students, welcome to my maths class for class 5th. The topic today which we are going to cover is HCF, highest common, which is also known as highest common factor. HCF is also known as greatest common divisor. It is also known as greatest common divisor. ठीक है, तो इसमें हम क्या है, दो तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड अदर इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो हम पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ फैक्टर क्या होता है. फैक्टर होता है वो नंबर जो किसी भी नंबर को डिवाइड करता है पूरी तरह से, जब तक कि आपका रिमाइंडर जो है ज़ीरो नहीं हो जाता. ठीक है, उसको हम कहते हैं फैक्टर. तो अब हम यहाँ डील करेंगे HCF by prime factorization and HCF by long division method. तो let us see for the first topic is our HCF by prime factorization. यानी HCF हम find करेंगे prime factorization के through. A prime factorization is writing a composite number as a product of factors that are prime numbers. ठीक है, prime factorization होता है writing किसी number को, composite number को उसके factors के number prime factors में लिखना. ठीक है, तो जैसे मैं एक example लेती हूँ, तो हमको एक example दिया गया है, यहाँ आप screen पर आप देख सकते हैं 15 and 20. We have to find the prime factorization of these numbers. ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको अलग अलग फैक्टराइज करेंगे. ठीक है, तब पहले हमने करा 15 को, देखिए 15 को हम फैक्टराइज करेंगे 3 से जाएगा ये, है ना, क्योंकि ये 5 है. लास्ट डिजिट देख लीजिए आप, करिए, अगर लास्ट डिजिट ऑड होता है तो इट विल नॉट गो बाय 2, है ना, यू हैव टू सी द अदर नंबर. तो ये 5 है, 15 है, इट विल ईजली गो बाय 3. तो 3 5 15 ये हो गया. अब इसको 5 बाय फिर से चला जाएगा, 5 1 5, हमारा रिमाइंडर आया 1. ठीक है, तो अब नेक्स्ट नंबर इज अवर, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 एंड 5. ठीक है, प्राइम फैक्टर्स कौन से हो गए, 3 एंड 5, यानी इन दोनों से ये जो नंबर है वो सॉल्व हो चुका है. तो नेक्स्ट है 20. 20 को भी हम इसी तरह से कर सकते हैं, देखिए 20 की फैक्टर्स, इसको किसी से जाए, किससे जाएगा ये जाएगा 2 से, 2 1, मतलब सबसे पहले छोटा नंबर यूज़ किया करिए आप. ठीक है, 1 बार और ये 0 एज इट इज़ पर आया. फिर से हम इसको 2 से जाए काटेंगे, 2 5 सा, और ये फिर 5 इधर और ये 1, यानी आपके लास्ट में 1 नंबर बचना चाहिए. ठीक है, तो अब आपकी इसकी फैक्टर्स क्या हो गए, वी विल राइट वन अगेन, फैक्टर्स लिखते हैं अब हम. 15 का फैक्टर्स हमारे कितना आया था, 3 इंटू 5, और 20 का हमारा फैक्टर आया था 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी अब इसमें कॉमन क्या नंबर है आपका, कॉमन हमारा 5 है. ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर इज एच सी एफ. यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, यानी हमारा एच सी एफ क्या हो गया, जो कॉमन जो है, यानी इन दोनों में जो कॉमन है वो हमारा आंसर होगा. आंसर है सवा 5. ठीक है, इस तरह से आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कर सकते हैं. इसी में आप जो है, अभी तो हमने आपको 2 डिजिट्स दिए, अगर आपको दिए जाते हैं 3 डिजिट्स एंड यू हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर्स, देन हाउ विल यू डू, लेट अस सी. ओके, देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिया गया है मेरा एग्जांपल. हाँ देखिए, तो आपको दिए हैं 24 36 एंड 42, है ना, इसको आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है. तो सबसे पहले हम 24 के फैक्टर्स निकालते हैं. 24 के फैक्टर्स हैं हमारे, देखिए 2 1 2 2 2 4. ओके, फिर से ये जाएगा कितनी बार, 2 6 12,
देन टू थ्री सा, अब ये थ्री से जाएगा, थ्री थ्री सा वन, यानी हमारा लास्ट में वन आया है ना। तो ये तो हो गए टू के फैक्ट, तो 24 के फैक्टर्स। द नेक्स्ट इज 36, 36 के फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे अब, 36। तो अब हम टू से ही स्टार्ट करेंगे, यानी मैंने आपको पहले ही बताया सबसे पहले छोटा नंबर लिया करिए, अगर उससे नहीं होता तो उसके नेक्स्ट नंबर आप यूज़ कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो टू वन सा, तो वन कैरी हो गया इधर, ये हो गया 16, टू एट सा 16, अब ये फिर से टू से जाएगा, टू नाइन सा 18, अब ये थ्री से जाएगा, थ्री थ्री सा यानी थ्री, एंड ये लास्ट में हमारा वन बचा। ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। द थर्ड इज 42, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं टू से, टू टू सा टू वन सा, अब ये जाएगा थ्री से, थ्री सेवन का, और सेवन जो है ये सेवन बार ही जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या हो गए, सबके कॉमन फैक्टर सॉरी प्राइम फैक्टर्स मिल गए। ठीक है, तो अब हम इनको एक साथ लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा 24 का प्राइम फैक्टर, 24 का प्राइम फैक्टर था 2 into 2 into 2 into 3। ओके, एंड देन 36 का था 2 into 2 into 3 into 3। ठीक है, एंड लास्ट 42 का था 2 into 3 into 7। ठीक है, अब हम इसमें से कॉमन नंबर फाइंड करेंगे। कॉमन नंबर्स कौन से हमारे तीनों में यूज हुए, ये 2 और 1, यहाँ पे भी 3 बार नंबर आया है, ये वाला 3। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। तो अब हम इनको क्या करेंगे, इनटू कर देंगे, 2 into 3 is equal to 6। तो ये जो आंसर है ये हमारा एचसीएफ हो गया है आपके इन नंबर्स का। ठीक है, तो ये तो एक हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एचसीएफ फाइंड करना है। द नेक्स्ट अप पॉइंट ऑफ आर्ट टुडेज टॉपिक इज एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से अब हम करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना होता है, यू हैव टू ओनली सिंपली डिवाइड द नंबर्स। जैसे हमारा एक एग्जांपल है, 20, यू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 25/80 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम इसको 25 को डिवाइड करेंगे 80 से। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा, 25 3 सा 75, और 5 यहाँ नीचे रिमाइंडर है। तो अब ये जो वाला 5 है, अब इसको हम अलग से ले लेंगे, ये 5 अलग लिया, और ये जो हमारा 25 था, अब हम इसको इससे सॉल्व कर देंगे। तो कितनी बार जाएगा ये, 5 5 सा 25, एंड रिमाइंडर हमारा 0। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू सॉल्व द नंबर्स। So hope you all have understood. Please try at home. Until you won't try, you won't get it. So until next video.